तगड़े सस्पेंस के बाद आखिरकार कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर अपना फैसला ले लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और गांधी परिवार के आखिरी बचे हुए किले रायबरेली को बचाने के लिए खुद राहुल गांधी सियासी मैदान में उतरे हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए रायबरेली की राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली। क्यों, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हम सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। राहुल गांधी, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के आखिरी दुर्ग को बचाने के लिए राहुल गांधी वायनाड से सीधा रायबरेली में लैंड कर चुके हैं। मां सोनिया गांधी से मिले सुरक्षा कवच पहने राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल कर चुके हैं, और इसी के साथ एक बार फिर राहुल गांधी नाना करते करते यूपी से चुनाव लड़ बैठे हैं। राहुल गांधी के नामांकन की ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि इस तस्वीर में सोनिया गांधी को अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। विश्वास इसलिए क्योंकि जिस सीट पर सोनिया गांधी कभी चुनाव नहीं हारी, जो सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, साल 2004 से लेकर 2019 तक यहां से सोनिया गांधी सांसद रही। यहां से फिरोज गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक सांसद रह चुकी हैं। साल 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद रायबरेली सीट ही यूपी में कांग्रेस का आखिरी किला बचा हुआ है। उस विरासत की सियासत को अमेठी के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली भी राहुल गांधी के नाम कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी पर इस बार जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर है, और रायबरेली भी राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। इसे समझने के लिए पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत को समझना होगा। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में कांग्रेस 71%, बीजेपी 3.82% पर थी। 2014 में कांग्रेस 63%, बीजेपी 3 से 21.05% पहुँच गयी। 2019 में कांग्रेस 55%, तो बीजेपी 21 से 38.39% पर चली गई। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद भले ही बीजेपी रायबरेली सीट कांग्रेस से नहीं झटक सकी हो, लेकिन रायबरेली लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। ऐसे में आखिरी ओवर में सियासी मैदान में उतरे राहुल गांधी सेफ सीट पर भी सेफ महसूस नहीं कर रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह किस तरीके से लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सर, ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल, रायबरेली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। निसंदेह रायबरेली के एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस काबिल समझा, और रायबरेली की जनता भी अपने सेवक के सम्मान में पूरी तरह से सड़कों पर दिखाई दे रही है। महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी जैसे धोखेबाजों को अब की रायबरेली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और कमल खिलाएगी। हालांकि रायबरेली में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में भी रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह पर अपना भरोसा जताया है, लेकिन इस सीट पर अंदर खाने बीजेपी से कई और चेहरे भी थे जो अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जिस तरह वोट प्रतिशत के आंकड़े राहुल गांधी के लिए शुभ संकेत नहीं, वैसे ही बीजेपी में अंदरूनी घमासान भी कुछ और ही इशारे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। उन्होंने कहा कि हार के डर से राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली भागे हैं। तो अमित शाह ने कहा, सोनिया गांधी राहुल गांधी को जितनी बार लॉन्च करेंगी उतनी बार हार
होगी उनकी। ये 21वीं बार लॉन्चिंग है रायबरेली से राहुल गांधी की और इस बार भी राहुल गांधी हारेंगे। पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख कर। तो बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का। अमेठी का मैदान छोड़ने के बाद राहुल गांधी की जगह कांग्रेस ने केएल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा है। केएल शर्मा गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल की जगह प्रियंका गांधी या फिर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि वाड्रा खुद अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है या कोई मजबूरी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राहुल गांधी जिस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, उस सीट पर 2019 में विकेट गिरने के बाद राहुल फिर कभी अमेठी की तरफ मुंह उठाकर नहीं गए। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपील करते रहे, संदेश भेजते रहे, लेकिन राहुल गांधी लौट कर वापस नहीं गए। उस सीट पर जब एक बार फिर राहुल गांधी की डिमांड हुई तो कांग्रेस ने परंपरागत सीट पर स्मृति ईरानी के मुकाबले के लिए गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को उतार दिया। सोनिया गांधी का ये एक डायरेक्ट मैसेज था कि सब ऑल इज वेल है, सब तय रणनीति के हिसाब से हो रहा है, फिर चाहे वो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का मामला हो या फिर अमेठी से चुनाव न लड़ने का। सुनिए केएल शर्मा के नामांकन में पहुंची प्रियंका गांधी ने क्या कहा। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं, इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है, मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। कहने को प्रियंका गांधी सही कहती हैं कि केएल शर्मा को वफादारी का इनाम मिला है, लेकिन सवाल तो ये है क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड वाया रायबरेली भेजने वाली स्मृति ईरानी के सामने कोई और उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिला? क्योंकि चर्चा थी अमेठी में राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका या फिर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो अमेठी की तस्वीर कैसी होती ये भी समझिए। प्रियंका या वाड्रा चुनाव लड़ते तो कांटे की टक्कर होती, हेवीवेट मुकाबला होता, सीट परिवार के पास रहती, बदले का संदेश जाता और रॉबर्ट वाड्रा इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके थे। देखिए पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर
ये है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। मैंने 1999 से वहाँ प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं। ऐसे में गांधी परिवार से अलग प्रत्याशी उतारना और राहुल गांधी का अमेठी छोड़ रायबरेली चले जाने पर स्मृति ईरानी के साथ ही कभी कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी तंज कसा है। देखिए, राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था और अमेठी से भागना कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना। फिलहाल सारी कहानी 4 जून को ही साफ हो पाएगी, जब नतीजे आएंगे तभी ये पता चलेगा कि किसका कौन सा दाव किस पर भारी पड़ा, किसकी कौन सी रणनीति काम आई और किसने किसको पटखनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हार के डर से ही अमेठी सीट छोड़कर भागे। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है।